हरिवंश कीर समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता में महादेव स्पोर्ट्स क्लब बना चैंपियन। मोही के राजकीय नंदलाल जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरिवंश कीर समाज बड़ा चोकला की ओर से चल रही दूसरी राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मेजबान महादेव स्पोर्ट्स क्लब बना चैंपियन। समाज के सुरेश महादेवान ने बताया कि इससे पहले सेमीफाइनल में पहुँचने वाली चार टीमों ने कड़े संघर्ष के साथ मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। महादेव स्पोर्ट्स क्लब मोही ने आशापुरा क्लब नागली को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में नैनपुरिया मार्वल मारवाड़ को 22 रन से हराकर जीत दर्ज की। नैनपुरिया ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवर में 92 रन बनाए। टीम के लोकेश ने 23 बॉल में 36 रन बनाए। जवाब में मार्वल मारवाड़ की टीम ने 70 रन पर ढेर हो गई। फाइनल मैच में महादेव स्पोर्ट्स मोही व नैनपुरिया के मध्य खेला गया। नैनपुरिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 8 ओवर में मात्र 53 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में महादेव स्पोर्ट्स क्लब ने मात्र 6 ओवर में जीत दर्ज कर ली। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉलर के रूप में ललित कीर को नवाजा गया तथा सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन के लिए लोकेश कीर को नवाजा गया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि हिम्मतमल कीर, संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजसमंद समाज के पूर्व अध्यक्ष शंभूलाल कीर अति विशिष्ट अतिथि, समाज के डॉक्टर पंकज कीर, डॉक्टर पूजा कीर, लक्ष्मण कीर, चित्रमल कीर, पार्षद हिम्मत कीर, अम्बालाल कीर, रामलाल कीर थे। इस दौरान मैच में रोमांचक मुकाबले हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में राजेश करण, तुलसीराम, सुनील, विक्की, अर्जुनलाल, बाबूलाल, मुकेश, रमेश का सम्मान किया गया। भीख में रुपए कम लाई तो शराबी पति ने महिला और 3 साल की मासूम बच्ची को गर्म सरिये से दागा। शराबी पति ने पत्नी व 3 वर्षीय मासूम को भीख में कम पैसे लाने पर बेरहमी से मारपीट कर गर्म लोहे के रोड से दाग दिया। वारदात दिल्ली में हुई, देवगढ़ की में पीड़िता का पहर है। पुलिस ने दोनों का उपचार करवाने के बाद पुलिस जाब्ते के साथ दिल्ली भेजा। दागने से दोनों माँ बेटी के हाथ पांव पूरी तरह से जल गए हैं। मानसिंह जी का खेड़ा हाल निवासी हरियाणा बॉर्डर स्थित दरुहेरा निवासी कैलाशी पुत्री प्रतापनाथ का नाता विवाह का काम करने वाले पथुनाथ पुत्र मोहननाथ के साथ हुआ था। दिव्य थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि पीड़िता कैलाश देवी ने थाने पर आकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें बताया कि पति पथुनाथ हमेशा शराब के नशे में रहता है एवं उससे भीख मंगवाता है। रोजाना 500 रुपये भीख नहीं लाने पर बेरहमी से मारपीट करता। 5 दिन पूर्व भीख में सिर्फ 300 रुपये ही मिलने पर घर आने के बाद पति ने बेरहमी से मारपीट की एवं लोहे के सरिये को गर्म करके उसके गुप्तांग, जांघों, पैरों आदि पेट पर दाग दिया। इस दौरान बीच में आई उसकी 3 वर्षीय पुत्री दुर्गा के पैरों पर भी गर्म सलाखे दाग दी। इससे दोनों बुरी तरह से जल गई। उसका वशीपन यही खत्म नहीं हुआ बल्कि दोनों को वहीं पर कमरे में बंद कर दिया और कहीं पर भी नहीं जाने देने की धमकियां दी। दर्द से कराहती महिला मौका पाकर मासूम को साथ लेकर वहां से भागने में कामयाब हुई और किसी तरह बचते हुए बस में सवार होकर कामलीघाट पहुंच गई, जहां उसने अपने भाई को बुलाया एवं अपनी आपबीती सुनाई। अपने भाई के साथ देवगढ़ स्थित सुभाष नगर पहुंची। सूचना पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा, नगर अध्यक्ष अमर सिंह चौहान महिला को लेकर देवगढ़ थाने पहुंचे, जहां महिला ने अपने पुलिस अधिकारियों के सामने आपबीती सुनाई। महिला और मासूम को देवगढ़ CHC में भर्ती करवाया। महिला के अनपढ़ होने एवं घटना जिस क्षेत्र में हुई वहां थाना मालूम नहीं होने के कारण दिवेर और एवं देवगढ़ पुलिस 0 FIR भी दर्ज नहीं कर सकी। देवगढ़ थाना प्रभारी चेतन सिंह नाथावत एवं दिवेर थानाधिकारी दिलीप सिंह ने स्वयं के खर्चे से महिला को के साथ उसके भाई एवं एक सिपाही को भेजने की व्यवस्था की, जिससे संबंधित थाना का पता चल सके एवं वहशी दरिंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। दादा ले जाके मेरी बहन को केक रोज का 500 रुपये लेके आना। 500 रुपये मेरी बहन लाई नहीं थी, इसने मीडिया करके मेरी बहन को जाल दी और फिर मेरे को फोन किया, बोला तेरे को मारूंगा ऐसी हालत में। तो फिर मैं दौड़ के मैं ससुराल में आ गया, मेरी बहन को इधर लेके बैठूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने शहर में पथ संचलन निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राजसमंद शहर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन राजनगर फमारा चौक स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कांगरोली मुखर्जी चौराहा स्थित
मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। संचालन के दौरान बैंड के धुन पर कदम ताल मिलाते हुए स्वयं सेवक चल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर देश भर के गोश्त केंद्रों पर इस पथ संचलन का आयोजन करती है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पथ संचलन के दौरान संचलन के आगे और पीछे पुलिस जाब्ता मौजूद था। व्यापारी को अवैध अफीम रखकर फंसाने के मामले में दो गिरफ्तार। राजनगर पुलिस ने दो आरोपियों को एक व्यापारी को अवैध अफीम रखकर फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीणा ने बताया कि उदयपुर के दान मंडी इलाके का निवासी कमल कुमार गाचा पिछले 20-25 सालों से बांस की टोकरी बनाने का व्यापार कर रहा था। कमल कुमार को एक टोकरी की लागत करीब 12 रुपये आती है। इसे कमल 15 रुपये प्रति नग उदयपुर के ही सुंदरवास इलाके के विजय सिंह को बेचता था। इन टोकरी को विजय सिंह नाथ द्वारा मंदिर में 27 रुपए प्रति नग बेचता था, जिससे विजय सिंह को हर माह अच्छी खासी आमदनी होती थी। जब कमल कुमार को पता चला कि विजय सिंह नाथ द्वारा मंदिर मंडल में बेचकर इन टोकरी के जरिए अच्छी कमाई कर रहा है, तो उसने मंदिर मंडल में संपर्क किया और 3 फरवरी को एडवांस पैसे जमा कराकर टोकरी सप्लाई का ठेका अपने नाम ले लिया। जब विजय सिंह और उसके रिश्तेदारों को जयप्रकाश को इसका पता चला तो उन्होंने पहले कमल को डराया धमकाया, लेकिन कमल नहीं माना। तो विजय सिंह ने अपने रिश्तेदार जयप्रकाश से 80 ग्राम अवैध अफीम खरीदी और जयप्रकाश के जरिए कमल के टेम्पो में अंदर छुपा दी। 26 फरवरी को जब कमल ऑटो मालिक हेमेंद्र साहू के साथ नाथद्वारा में सप्लाई की देने आया था, तब जयप्रकाश ने अपने परिचित देवेंद्र मालिक को इसकी जानकारी दी और पुलिस से मुखबिर करने को कहा। पुलिस ने जब टेम्पो की तलाशी ली तो निश्चित स्थान पर पुलिस को अफीम मिल गई। हालांकि पुलिस पूछताछ में हेमेंद्र और कमल कुमार ने अफीम अपनी नहीं होने की बात कहकर साफ इनकार कर दिया और खुद को निर्दोष बताया। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने पाया कि अफीम विजय सिंह और जयप्रकाश ने साजिश टेम्पू में कमल कुमार को फंसाने के लिए रखी थी। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन के उजहोरोड से हंगरी के रास्ते दिल्ली उदयपुर होते हुए अपने घर उठाड़ा पहुंचा गजराज, सरकार का जताया आभार। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों के चलते उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे 20 छात्रों में से राजसमंद का उठाड़ा गांव का गजराज पुत्र जालम सिंह चौहान अपनों के बीच पहुंचकर खुश नजर आया। वहीं उठाड़ा के ही एक और छात्र ललित सिंह के ने यूक्रेन के खार्किव में युद्ध के हालात बताते हुए भारतीय एम्बेसी से मदद की गुहार लगाई। गत 16 दिसंबर 2021 को यूक्रेन के उजहोरोड शहर में स्थित उजहोरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी MBBS की पढ़ाई करने गए उठाड़ा गांव के गजराज सिंह ने बताया कि उसके परिवार में पिता और छोटा भाई महाराष्ट्र के लातूर जिले के मुरूड़ में रहते हैं और वहाँ रहता है, लेकिन यूक्रेन में वह अपने मूल निवास पर दादा दादी के पास आया। गजराज ने बताया कि नीट करने के दौरान ही गुजरात के सूरत में एक एजेंट के माध्यम से यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। पहली बार घर परिवार में इतनी दूर रहा था। 1.5 से 2 महीने आराम से शांति से गुजरे, फिर युद्ध होगा ऐसी बातें शुरू हो गई। गत 21 फरवरी को रूस की और खार्किव में बमबारी शुरू हो गई। गजराज ने बताया कि राजधानी कीव से उनके शहर उजहोरोड के बीच करीब 1200 किमी दूरी है। वहीं खार्किव और भी दूर है, इसलिए उनके यहाँ युद्ध जैसे हालात अभी नहीं बने हैं, लेकिन भारत सरकार और एम्बेसी की तरफ से उन्हें स्वदेश लौट जाने को कहा गया। भारत सरकार की तरफ से सूचना मिलने पर उजहोरोड यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ गजराज भी देश वापस आने के लिए उजहोरोड से 27 फरवरी सुबह 7:30 बजे निकला। सभी एम्बेसी द्वारा भेजी गई बस से 300 किमी दूर हंगरी देश की बॉर्डर जोहनी पहुंचे। यहां उन्हें करीब 11 घंटे का इंतजार करना पड़ा। यहां से उन्हें एयर बस से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट ले जाया गया, जहां बुडापेस्ट से सभी दिल्ली, फिर मंगलवार सुबह उदयपुर आए, जहां से गजराज अपने आवास राजसमंद उठाड़ा पहुंचे। जब वहां था जिन चंद्रा था तो पियो हमें भी दुख था नहीं कि ऐसी कोई कि है घटना में घटना, और जब यहां आ गया तो हमें भी खुशी हुई। और जो है मैं रास्ता सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों का जो है सुरक्षित पहुंचा।
पिताजी का? जालम सिंह चौहान। सर आप कब गए थे यूक्रेन? 16 दिसंबर 2021। किस लिए? MBBS फर्स्ट ईयर। यस। कैसे पहुंचे यूक्रेन? मैं सूरत के एक एजेंट के थ्रू पहुंचा। उससे कैसे कांटेक्ट हुआ? वो मैं जिस कोचिंग के लिए नीट के लिए अप्लाई कर रहा था तो उस टाइम नीट की कोचिंग जिनसे ले रहा था उस इंस्टीट्यूट के वो हेड थे जी, उन्होंने करवाया, वहीं से करवाया जी सर। वहाँ जाने के बाद कब आपको पता चला कि ये युद्ध होने वाला है? वहाँ की सिचुएशन बताएं, कैसे आपको पता चला? सर पहले कुछ नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होगा बोल के, बाकी गर्मा गर्मी का माहौल तो था उधर, लेकिन इतना कुछ ये नहीं लग रहा था कि होगा बोल के, लेकिन अचानक से फिर 21st को रात को अचानक से बॉम्बिंग स्टार्ट हुई खार्किव के अंदर और कीव के अंदर, दोनों जो सबसे बड़ी सिटीज है यूक्रेन के अंदर, उन दोनों के अंदर लगातार फायरिंग स्टार्ट हुई। तो उस हिसाब से फिर वो लुहेंस और डोनेट्स दो जो अलग उधर स्टेट्स हुआ करते थे वो ब्लास्ट, उनको एक अलग ही कंट्री घोषित कर दिया गया रशिया के थ्रू। तो उस हिसाब से फिर माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। आप कौन से सिटी में थे? मैं उजरोड। उजरोड ये कीव से कितने दूर है? ये कीव से तकरीबन 1200 ज्यादा होगी है ना, क्योंकि कीव राजधानी है जी सर। तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम? उजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी। उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी।